यह वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें शुक्रिया तो सोने की सुन्नत का मज़ाकरा तो सुन्नत नंबर एक घर के दरवाजे बिस्मिल्लाह रहीम पढ़कर बंद करें और बिस्मिल्लाह पढ़कर कुंडी लगाएं बुखारी यानी बुखारी शिव के हवाले से हत्ता कि अगर पानी की बाल्टी हो तो उसके अर्ज पर भी कोई लकड़ी बिस्मिल्लाह पढ़कर जो है रख दे बुखारी यानी उसके अर्ज पे लकड़ी रख दे उसके ऊपर अंदर पानी है तो अल्लाह की खास हिफाजत रहती है नंबर तो जिन बर्तनों में खाने पीने की चीजें हों उन सब को बिस्मिला दें। सही बुखारी यानी सही बुखारी का मतलब ये सही बुखारी का हवाला नंबर तीन आग जलती हो या सुलग रही हो तो उसको बुझा दें सही बुखारी जाहिर है कि आप जो अच्छी तरह आजकल तो चूल्हे गैस के चूल्हे हैं उसकी अच्छी तरह उसका पायलट देख रहे कि कि जलती ही तो रहेगी नहीं आग या बसों का उसको बंद करते हैं उल्टी तरह घुमा देते हैं लेकिन वो आग मामूली जलती रहती है गैस खुली रह जाती है ये सारी चीज़ें इसमें शामिल इसका एहतम करें सुनत नंबर चार जिस रोशनी से आग लगने का खतरा हो उसको बुझा दें बुखारी वह कि अगर कोई लो जली हुई है क्षमा जली हुई है, है कैंडल जलाई हुई है तो खतरा आग लग सकती है तो ऐसी सब चीज़ें बुझा सोना चाहिए सुन्नत नंबर पांच बीवी बच्चों को तो नसीहत आमेज कहानियाँ और खुश तबी की बातें करें गोया कि उस वक्त में बच्चों को कहानियाँ सुनाना आप जानते हैं हमारी पुरानी बड़ी बूढ़ियाँ जो है कहानियाँ बच्चों को सुनाती थी तो गोया कि यह सुन्नत है शमायल तिरमीजी के हवाले से सुनत दखल की है कि बच्चों को रात को कहानियाँ सुनाया करो कहानी खुश तबी की बातें करो खुश तबी की बातें करके अब उसकी बात करो चलो भी सो तो तो ता जाओ तो ये है तो कि नंबर पांच बेबी बच्चों को नसीहत कहानियां और खुश तबी की बातें करेंत हजर ने नकल की है सुनत नंबर छ जब बच्चे तकरीबन नौ दस साल की उम्र के हो जाए तो बहन भाई के बिस्तरे भी अलग अलग कर दें मिश् शरीफ यानी कि वे अलग अलग कर दें यह इकट्ठे ना सोए सुनत नंबर सात सुर में दानी रखें और सोते वक्त खुद भी और बच्चों के भी तीन सिलाइयाँ दोनों आंखों में सुरमा डालें पहले तीन मरतबा दाएं आंख में और फिर बाई आंख में डालें इस तरीके से ये सुरमा लगाएं गोया कि यह मशक् शरीफ के हवाले से ये सुनत नकल की गई है तो गोया कि ये सुरमा लगाने का एहतमाम करें और आज के लिए सुरमा लगाने का एहतमाम नहीं है लोग कहते थे ये डॉक्टर्स मना करते हैं लड्ड पॉइजन हो जाता है नई भी नबी पाक सलोली वसम की सुनत है तो उद ही आंखें खराब होती हैं भाई अब ये टीवी और जो कैमरे की स्क्रीन और इसी तरीके से ये वीडियो गेमों की स्क्रीनों से आंखें खराब नहीं होती जो बच्चे सुबह शाम देखते हैं सुरमे से खराब हो रही है नई नबी की सुनत का एहतमाम करें खुद भी लगाया करें सुरमा और बच्चों को भी सुरमा लगाए सुनत नंबर आठ बिस्तर बिछा हुआ हो या लिपटा हुआ हो तो लेटने से पहले उसको झाड़ लें तामत के एक किनारे ही से झाड़ लें भले शरीफ तो गोया कि झाड़ें और झाड़ पूछ करके अब लेटें और यही सुन्नत है सुन्नत ब्रश कर लें मिसवा कर लें, लें। मुंह को अच्छी तरह साफ करके कर सोए सुन्नत नंबर दस सोने के कबल दोनों हाथों की हथेलियां मिलाकर उन पर फूक मारे फिर एक मरतबा बिस्मिल्लामान पढ़कर कुल और फलक और फिर फिर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़कर उल और उज्बेब नास पढ़े और दोनों हाथों को सर से पाँव तक जहां तक जो है वो पहुंचे फेर लें सर से पाँव तक हाथ फेर लें फिर सामने सर से शुरू करके पैरों तक उसके बाद कमर की तरफ को फेर लें इस तरह तीन बार करें तिरवजी शरीफ तो तिरविजी शरीफ के हवाले से ही उसने दखल की गई है लिहाजा ये पूरा पढ़ने के बाद इसी तरीके से पूरे बदन पे हाथ फेर लें सुन्नत नंबर ग्यारह खुद बिस्तर बिछाना यानी खुद बिस्तर बिछाना भी सुन्नत है दूसरे की बात ना ले खुद बिछाएं सही मुस्लिम के हवाले से यह सुनत सुन्नत नंबर बारह तकिया लगाना यानी खुद अपना तकिया खुद सिराना अपना सेट करें लगाए सही मुस्लिम के हवाले से यह भी सुनत सुन्नत नंबर तेरह चमड़े और खाल को बिस्तर बनाकर उन पर सोना सोना चमड़े और खाल का बिस्तर बनाकर सोए तो फिर कि की यह भी सुन्नत है सुन्नत नंबर चौदह चटाई पर सोना सुनत नंबर पंद्रह बोरिये पर सोना सुनत नंबर सोलह कपड़े के फर्श पर सोना सुनत नंबर सत्रह जमीन पर सोना सुनत नंबर अठारह ताकत पर सोना सुन्नत नंबर उन्नीस चार पर सोना शरतीब वगैरह यह नशरतीब के हवाले से सारी सुनते हैं तो किसी भी नोयत के साथ आप सोएं तो फरमाया कि यह सुनत है हर जगह उसको सुनत की का स्वाब मिल जाएगा चारपाई पर सो रहा है सुनत की नीयत से स्वाब मिलेगा और आज कल तो घरों के अंदर डबल बेड है सिंगल बेड है कुंज बेड है तो ये बेड है वो बेड भी चारपाई के हुक्म में है उस तख्त के हुक्म में उसके ऊपर सुनत समझ के आप सोएं तो आपको जो सुन्नत का स्वाब मिलेगा सुनत नंबर बीस दानी करवट पर किबला रू होकर सोना बुखारी मुस्लिम दानी कर सोना रू होकर सुन्नत नंबर इक्कीस दाने हाथ के ऊपर दाने हाथ के ऊपर सर रख कर सोना यह दाने हाथ पर यह सर रख के सोना और मैं ये सही बुखारी के हवाले से नकल की ये भी सुन्नत सुन्नत नंबर बाईस लेट कर ये दुआ पढ़ना ये बुखारी के हवाले से बिस्मी का रब्बी वजात जम्बी वब्बी का अरफा इन अमसक तनफ फराहम हा व इन अरसलता हा, फाफज हा बिमा ताफी इबादत ये दुआ या ये के वो या ये बड़ी दुआ याद रहा तो ये दुआ पढ़े अल्लाउम बिस्मी का अमो तो वहिया शरीफ अल्लाह उबिसमी का अमो व आहिया ये दुआ पढ़ के सो जाए सुन्नत नंबर तेईस तीन बार ये इस्तफार पढ़े असतफुल्ला तिरवि शरीफ के हवाले से ये सुनत है तीन मरत इस्तेफार करें सुनत नंबर चौबीस कुरान मजीद में से कोई एक सुर पढ़े जो याद हो तिरमिजी शरीफ मत मतलब कुलव्ला याद है वो पढ़ ली फराक और नास याद है वो पढ़ ली कोई एक सुर पढ़ लें यह सो इनात इन्ना याद है वो पढ़ लिया सुनत नंबर पच्चीस तहारत के साथ सोएं अ तरगीब के हवाले से सुनत नकल की है पहले से वजू हो तो काफी है वरना वजू कर लें यह भी ना हो सके तो सोने की नीयतें तयम ही कर लें अगर वजू भी ना हो करना हो तो तयमु ही कर ले वहीं जो गद्दे के ऊपर हाथ मार के जो है वो जो अपने जो है तय्मू कर लें तो वो भी इसका भी तरीका और इसी तरीके से फरमाया कि सुन नंबर छब्बीस तैतीस मरतबा सुबहानल्ला तैतीस मरतबा अलमदिल्ला चौंतीस मरतबा अल्लाह पढ़े और एक मरतबा कलमा तयबा पढ़कर सो जाए मिश् शरीफ सुन नंबर सत्ताईस ताजुद के लिए मुसल्ह सिरहान रखकर सोना निसारिश शरीफ कि के के एक नीयत से अपने सरान मुसल्ह जो है जानवर लपेट कर रखें सुनत का तो एहतमाम करें भले ताजुद भी ना उठ पाए लेकिन इस एहतमाम की वजह से इस सुनत का तो स्व मिल जाएगा सुनत नंबर अट्ठाईस सोरभ वाकया का विरद कर लेने से स्वर फकर की नौबत नहीं आती अ तरगीब सोर्भ वाक्य जो है उसको वो अगर इतलावत कर ले बहुत अच्छा है सोना नंबर उन्नीस और बहुत से औद आदिश में आए हैं जिसको जो अच्छा लगे या किसी का मामूल जब वो हो तो उसको पढ़ लिया जाए सोना नंबर तीस समझदार बच्चों से पूरी एहतियात हो सके तब मियां बीवी एक बिस्तर से पर सोना यानी मियाँ बीवी का एक बिस्तर पर तब सोए कि जब समझदार बच्चों से पूरी एहतियात हो क्या कि एक बिस्तर वरना जो है अगर समझदार बच्चे मौजूद हैं एहतियात मुमकिन नहीं है तो फिर एक बिस्तर पर सोने से जो वो से है वो एहतराज करें बिश् शरीफ के हवाले से उन्नत है स्वर्ण नंबर इक्कीस ताज की नमाज के लिए उठने की नीयत करके सोना ताज की नमाज की ए, के लिए उठने की नीयत करके सोए तो यह निसारिज शरीफ के हवाले से सुनत है तो इसे नीयत करने पर आपको स्वाब मिल जाएगा भले कल को ताज में आंख नहीं खुली नंबर बत्तीस का पानी और मिसवाक पहले से तैयार रखना सही मुस्लिम तो ये पहले से तैयार रखना तेतीस जिस वक्त रात को आंख खुल जाए सुबह शादी होने से पहले की नवाज पढ़ना मिशका शरीफ के हवाले से सुन्नत है तो फायदा ताज की कम अज कम दो रकत ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा बारह रकत होती है ये तो सुनत है बाकी नवाफिर जिस कदर चाहे आप पढ़े कोई जिक्र इलाही करें तिलावत करें अगर चाहें तो ताज पढ़कर फिर सो जाएं दुरुस्त है मगर फजर की नमाज जमात से अदा करें ये जो है तकरीबन जो तैतीस सन्नतें आज सोने की आपके सामने बयान हुई इन सुन्नतों का अजबर कर लें और इन सुन्नतों पर एहतमाम करें और ज्यादा ज्यादा अपनी जिंदगी के अंदर इस सन्नतों को पैदा करेंगे तो अल्लाह तबारक वाल की महबूबियत आपको हासिल हो जाएगी अल्लाह से दुआए कि अल्लाह तबारक वाली इन सुनतों के इतबा की तोफी कता फरमाए आमीन या रबालमीन